मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी नमाजें फ़र्ज थी? जवाब, फजर और असर। ऊंट का गोश्त किस पैगंबर की शरीयत में हलाल न था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। किस पैगंबर को आरे से चीरा गया था? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस नाम से पुकारी जाती थी? आर्क। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पास आया करते थे? वो सहाबी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पास आया करते थे? वो सहाबी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस नाम से पुकारी जाती थी? आर्क। मिराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी नमाजें फर्ज थी? जवाब, फजर और असर। ऊंट का गोश्त किस पैगंबर की शरीयत में हलाल न था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। किस पैगंबर को आरे से चीरा गया था? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को।